अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत से? शुक्र है। ये माशाल्लाह शादी हाल जो है किस जगह पर है सबसे पहले तो ये हम लोगों को बताएं। रोड पे है जी। हाँ जी, खानकाह शरीफ है, मैरिज लॉन है ये। अच्छा जी, तो अभी ये क्या तरतीब है, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये अभी 200 बंदे का सेट है, पार्टीशन हो रहा है। अच्छा, कितनी देगें बनेंगी? 8 चिकन की, 8 चिकन की, 1 बिरयानी की, 1 मीठे, 1 मीठे की। तो ये जो बन रहा है ये क्या चीज़ है हमें बताएं? ये बिरयानी बन रही है? तो बिरयानी जो है वो देग में नहीं बन सकती? देग में भी बन सकते हैं, ये ज़्यादा है। अच्छा, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। और ये क्या पक रहा है? मीठे में चावल हो गया। अच्छा, ये मीठा चावल बनेगा? हाँ जी। ये ये इसकी चीनी है, ये घी है, इसमें पानी है। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? फ्रूट काट रहे हैं? फ्रूट काट रहे हैं रायते के लिए। अच्छा, ये सैलेड बनेगा? सैलेड बनेगा। अच्छा, फ्रूट सैलेड बनेगा। ठीक हो गया, सही। तो कितना टाइम लग जाता है ये सारे वलीमे के लिए, 200 बंदों के खाने को टाइम कितना लगता है? टाइम तकरीबन लग जाता है 4 घंटे। 4 घंटे। अच्छा, ये पूछना है कि पर हेड क्या चार्जेस हैं अगर सब कुछ आपका हो तो? वो तो मुख्तसर होता है ना, खाने के हिसाब से। खाने के हिसाब से होता है। अगर चिकन का मेन्यू है, चिकन के साथ एक मीठे चावल है, 500-600 बोतल अगर है तो 600। अच्छा, 600। ठीक है, 600 रुपये पर हेड हो जाता है। और अगर किसी ने सिर्फ कैंट करना हो, कैटरिंग, 120 रुपये। 120 रुपये सिर्फ क्या, ये जो है कैटरिंग का, कुर्सी सिटिंग का, खाना वो अगर अपना ले आए तो 120 पर हेड। सही हो गया। और अगर कहीं जो है वो बीफ का मेन्यू आ जाता है तो फिर कटेगा? बीफ का मेन्यू हिसाब लगाना पड़ता है उसके लिए, वो 1100 रुपये लगभग। तो फिर मुझे हिसाब किताब हो गया, मैं सारे डिस्क्रिप्शन में तस्वीर लगा दूंगा, जो चीज़ बनेगी वो सारी हिसाब किताब में लगा देंगे। और फ़ोन नंबर वगैरह भी आपका यहाँ पे लगा देंगे, डिटेल्स आपको इंशाल्लाह डिटेल्स सब दे देंगे। अच्छा, अब ये जो भाई हैं ये सारी देगों के अंदर इकट्ठा जो है वो ऑयल घी डाल रहे हैं? सब देगें इकट्ठी बनाई जाती हैं साथ ही? बड़ी बड़ी ट्रिक्स है इन्होंने जो है। मसाला कौन सा है इनका? अच्छा, ये मसाला बना हुआ है। ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ है, मसाला किस चीज़ का होता है? ये प्याज है, टमाटर है। अच्छा, लहसुन अदरक भी है? लहसुन अदरक। सही 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 सही, ये इनमें डालेंगे? सही, बिल्कुल ठीक हो गया, समझ गया समझ। इनमें डालेंगे मुर्गी, डालेंगे मसाले वगैरह लगा के, फिर चढ़ा देंगे, मसाले वगैरह लगा के चढ़ा देंगे और फिर पक जाएगी। हाँ जी। मतलब इस खाने बनाने में क्या बताते हैं कितना टाइम लग जाता है? 4 घंटे। 4 घंटे में जो है 200 बंदों का खाना तैयार होगा? 4 घंटे। अच्छा, देखें सारी इकट्ठी लगती हैं? इकट्ठी लगती। ठीक 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 ठीक, सही होगा। ये चिकन का है, मटन का थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा बीफ का, या उसका भी? बीफ का ज़्यादा। बीफ का कितना टाइम लग जाएगा? 5 घंटे। 5 घंटे लग जाएंगे। ठीक हो गया, ऑर्डर के हिसाब से है ना वो? ऑर्डर के हिसाब से। हाँ। बड़ा ऑर्डर भी आता है, छोटा भी। सही हो गया, बिल्कुल सही। तो ये चावल निकल रहा है किस का? ये अब चावल निकाल रहे हैं, ये देखें चावल निकाल रहे हैं, उस तरफ चलते हैं चावल की तरफ। ये बिरयानी बन रही है इस तरफ, और वो मीठे जो चावल बना रहे हैं उसके चावल जो है वो पहले निकाल। इसका पानी अलग कर देंगे, हैं फिर शीरे में इसको डालेंगे? सही, इसमें फिर वो रसगुल्ला वगैरह भी डालते हैं? हाँ जी, वो पड़ा हुआ है ना। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सही। वो आपको सामने नज़र आ रही है, वो जो है यहाँ के ऑनर हैं, मैनेजर हैं, इस वक्त बहुत सख्त टेंशन में है, निज़ाम जो है वो सारा पूरा कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये जो प्रोग्राम है दोपहर का है रात का है? 2 बजे का प्रोग्राम है। सही। और ये क्या चीज़ पड़ी हुई है? चिकन धोला भाई, ये है। सही हो गया। ऊपर ये रखा है ताकि मक्खियां वगैरह ना आए। ठीक हो गया। सही, माशाल्लाह, अच्छा निज़ाम है ये। अभी चलते हैं चेयर सिटिंग अरेंजमेंट की तरफ, चलते हैं वहाँ देखते हैं क्या तरतीब है। और कोई अगर हमारे वीडियो के रेफरेंस से आएगा तो उसको रियायत करेंगे?
हाँ जी डिस्काउंट लगा देंगे। अच्छा ठीक हो गया, मैं फिर वीडियो के लिंक में आप इस इनका एड्रेस वगैरह सब कुछ मैं डाल दूंगा और हमारे रेफरेंस से, अभी ये सफाई हो रही है यहाँ पे, हमारे रेफरेंस से आप इनसे रब्ता करें। ये फ्लावर का काम हो रहा है। अच्छा स्टेज के लिए, तो इंशाल्लाह जो है ये आपके साथ, वो देखें आप सामने जो है वो स्टेज की तैयारी हो रही है। स्टेज भी बना के देते हैं या स्टेज के लिए बंदे बाहर से आते हैं? डिफरेंट से, अलग से, अलग से आते हैं। ये स्टेज वाले भाई जो है वो इनका अलग हिसाब है, ये डायरेक्ट पार्टी के साथ होंगे या आपके साथ हैं? पार्टी के साथ, वो अगर वो कहते हैं तो बुलवा के। अच्छा 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 अच्छा, बुलवा देते हैं वरना पार्टी का, पार्टी सर ठीक, पार्टी से रब्ता कर, वरना ये है कि आप भी फूल मतलब सेट कर सेटिंग करवा के देते हैं। सही ठीक हो गया, ये जेंट्स का हाल है और उस तरफ वाला लेडीज़ का, ये इसके जो पार्टीशन हुई है इस पार जो है वो लेडीज़ का हाल है। ये 100 बंदे यहाँ, 100 बंदे वहाँ, मतलब 150, मतलब टोटल 200 की सेटअप है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है क्या नाम है इसका, मिनहास मैरिज हॉल है, समासटा रोड पर है। और जो जितने भी लोग यहाँ खानकाह शरीफ में समासटा में रहते हैं वो इस लिंक के, इस यूट्यूब की जो वीडियो है इसके रेफरेंस से इनसे रब्ता करें और इंशाल्लाह जो है इस रेफरेंस से जो आएँगे उनके लिए खसूसी रियायत भी होगी। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम, हाफिज़।